मध्य प्रदेश में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश भर में महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के ही कुछ कार्यकर्ताओं ने पन्ना विधानसभा में महिलाओं पर कहर बरपाया है। पन्ना विधानसभा के ग्राम बांधीकला में बीजेपी समर्थक सरपंच विक्रम सिंह ने करीब आधा दर्जन साथियों के साथ कांग्रेस समर्थक धर्मराज पटेल के घर में घुसकर महिलाओं के साथ गाली गलौज की और जमकर मारपीट भी की है, जिससे कि एक मासूम बच्ची घायल हो गई है। इस घटना के बाद जब पीड़ित परिवार अपनी फरियाद को लेकर अमानगंज थाना पहुंचा तो थाना प्रभारी ने उल्टा पीड़ितों पर FIR करने की बात कही। इसके बाद पीड़ित परिवार पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा, वहीं पुलिस अधीक्षक ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इस मामले को गंभीरता से लिया है और कार्रवाई करने और सुरक्षा का भी आश्वासन दिया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या शिवराज सरकार आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करेगी? क्या सरकार आरोपियों की मदद करने वाले अमानगंज थाना प्रभारी को बर्खास्त करेगी? कौन सिंह, राकेश सरपंच, उप सरपंच ब्रजेश पटेल, राजू पटेल जी। किस बात को लेकर मारपीट की? आप उनका प्रचार नहीं कर सकते। किसका? कांग्रेस का। कौन बोले? सरपंच लोग। किसका प्रचार करना? बीजेपी का करो। क्यों? लोग करो, कांग्रेस का नहीं करना है। मतलब कहीं ना कहीं सामंतशाही चल रही है जी। धमकियां मिल रही हैं, दो तीन बार हमको धमकी मिली है कि नहीं तो हम मार के मेंक देंगे तुमको, ये कर देंगे वो कर देंगे। अच्छा, कहाँ पर आए? यहाँ एस के साथ। क्या हुआ? रात में मारपीट की है हमारी लेडीजनों के साथ। तो FIR नहीं ली आपकी? अभी नहीं ली। क्या चाहते हैं आप? यहाँ चाहते हैं तो बोला नहीं, तू निकाल कहाँ घुसा है? तो हमने कि सर हम यहाँ तो हमारे यहाँ नहीं है वो, तो फिर तो पानी लगाने गई है। तो बोले सर तुम कहीं बताओ, सो ये पुलिस वाले रहे सो भी उनकी कालर खींच के लाए, कहें ऐसे हाथ पकड़ के लाए। बोलने लगे हैं तो तुम जाओ अंदर, तो ये पुलिस वाले ने की है तो तुम जाओ अंदर। तो हमारा भाई आए था हमको लगाने के लिए, तो उनने कही, हमने कही तो हमारा भाई है वो, तो कहे तुम्हारा भाई होगा तो देखा जाएगा। तो उनने कही तो आधा चेहरा हो रहे थे, तो कहें यहाँ जे हैं सुबह बिक्की राजा और बड़े बड़े बोले जाते हैं, हमको तो नाम नहीं है मालूम। तो उनने कही तो ले आए थे हम लातन से कचर के उनको, और हड्डी हड्डी काट को चिराई उनको फैलाएँ। मामला ये है कि वो बेबी बोल रहे थे कि आप देवर को बुलाओ, देवर को जान से मारना है मेरे को, आप बताइए कहाँ पे है। मैंने कहा मेरे को पता नहीं है। क्यों, आखिर क्यों मारना चाहते थे वो लोग? चुनाव के क्या पंजा में वोट ना दो? अच्छा ऐसा? हाँ उसमें वोट दो, इसलिए तुम प्रचार क्यों कर रहे हो? फिर और क्या हुआ उसके बाद? किसी को मारा भी है? हाँ किसी को मारा भी है। सो वो बोले कि जहाँ भी हुए वहाँ को लेवा, हम कत्ल कर देंगे तुम्हारे दीवार को। मैं कही कहा अपने पति को लेवा गया, मैंने कहा मेरे पति यहाँ पे नहीं है, मेरे देवर जी हैं। भी क्या नाम है आपका? मेरा नाम है पार्वती पटेल। कौन सा गांव है आपको? बांधी का। इसका कितना रुपया है इसके पास, कितना क्या है इसके पास? बहुत गंदी गंदी गाली दे रही थी। अब मैं अकेला था, मैं कुछ नहीं बोला। मारपीट भी की? मारपीट की, एक थापड़ पीछे बालों में पीछे मारा है मेरी सिस्टर को। मैं बैठ वहीं खड़ा खड़ा देख रहा था, बट मैं बोल नहीं पाया, वहाँ अकेला था मैं। मारा है और हाथ कौन कौन लोग थे? हाथ पकड़ के उठाया तो छोटी बच्ची है वो भी नीचे गिर गई थी खाट से। कौन कौन लोग? मैं इतना तो उनके गांव का नाम नहीं बता सकता कि ये लोग कौन है। मैं इतना जानता हूँ कि सरपंच है जिनका नाम विक्रम लिया जा रहा था, और एक वो पूर्व सरपंच है राकेश पटेल, इनके साथ और अन्य लोग भी थे। मैं कांग्रेस में चुनाव लड़ रहा हूँ। अब मेरे जो कांग्रेस कार्यकर्ता प्रचार करते हैं, मंत्री जी जो चुनाव भाजपा लड़ रहे हैं, उनके अपने आदमियों के गुंडों से हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर मारपीट करवाते हैं, गाली गलौज करवाते हैं, और मंत्री जी द्वारा धमकी दी जाती है। कहें अभी गांव थे यहाँ पर बड़ी हूँ, वहाँ धमकी दी गई कि हमारा जो वोट बच्चे में वोट नहीं करोगे तो गांव खाली करवा दूंगा आपको। वहाँ पर बांधी कला में धर्मराज पटेल की पत्नी से मारपीट की, गाली गलौज किया, अपशब्दों का प्रयोग किया, एक को स्वाद साथ मारपीट की, फतेहपुर में भी गाली गलौज करवाई, पुलिस की धमकी दिलवा रहे हैं। यही मैं कहना चाहता हूँ कि निष्पक्ष चुनाव कराया जाए। स्वागत से मांग करता हूँ कि गुंडागर्दी का समय नहीं होता है, वोट मांगने की बात होती है, वोट वोट प्रेम से लिया जाता है, प्रेम से मांगा जाता है, मतदान है, वो धमकाने की बात नहीं होती, धमकाना नहीं चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूँ।